नहीं हो जाएगा ऐसे ऐसे मेरा आप लोग का थैंक यू हां अरे हो जाएगा भाई जरूरी नहीं है वो आप लोग उल्टा बराबर में बात कर लीजिए ज्यादा ये मत करो कोई ज्यादा कोई कम नहीं मिस्टर तलिनेगा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी हेडेड बाय मायसेल्फ we had a conducted meeting to discuss regarding this fire incident which happened on 25 morning and we have already lodged a FIR in this regard to hum log yahan mein abhi thoda pehle hum log PS Naharlagan mein aake hum log FIR dekhe aaya hai to FIR in the sense jo bhi yahan mein ye 25 ka सुबह को मॉर्निंग को जो जितना भी दिल्ली मार्केट का ये नाहरलगन का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना है विदाउट एनी प्रेशर एनी पॉलिटिकल पार्टी एनी एनजीओ एंड एनी कहीं से भी उसको हम लोग प्रॉपरली विदाउट मैंने एनी कहीं से भी एंगल से भी प्रेशर नहीं आने के लिए प्री एंड पेड इन्वेस्टिगेशन करना है यहाँ में कंस्पिरेसी थोड़ा होने में हो रहा है जैसा लग रहा है क्योंकि वी कैन से इट्स माइट बी यू नो आपका कुछ पॉलिटिकल या ऐसा कुछ भी हो सकता है तो इसलिए हम लोग जो अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन जो हम लोग अभी हम उसी से बात किया है और बिरस जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट वेलफेयर कमेटी लोग भी उन लोग भी FIR दिया है बोला है लेकिन इन एडिशनल टू दैट्स हम लोग का जो ये का अलसू का जो FIR को सेपरेटली उन लोग रजिस्टर करेगा और हम लोग जो अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन और ये FIR का आगे भी पीछे भी हम लोग कल को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को अच्छा से कर रहा है नहीं कर रहा है उसको हम लोग जैसे भी हम लोग ये करेगा पीछे करेगा एंड गवर्नमेंट को ये मैं अपील करता हूँ कि यहाँ में आप लोग जो इमीडिएट जो रिलीफ कैंप बनाएगा बोल रहा था जस्ट वी रिसेंटली विजिटेड एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगन देयर वॉज नो एनी सच यू नो प्रिपरेशन वॉज गोइंग ऑन एट देयर because the gate of the government higher secondary school Naharlagan is locked and there is no any such you know preparation has been settled koi bhi nahi hai and kuch khabar mila hai kahin se clue mila hai ki kuch victims look jiska jo homeless hai jo especially jo bilkul bhi yahan mein ghar nahi hai jo bahar se hum log ka not only we are not talking about only Arunachal Pradesh entire jo India se बिजनेस कम्युनिटी लोग आके यहाँ में जो आने वाला लोग कोई लोग का घर नहीं है और हम लोग का अरुणाचल का होते हुए भी यहाँ में जो हम लोग का अम्मा बाबा लोग का घर नहीं है उन लोग कोई लोग बहुत उधर में जाके आया है लेकिन उधर में कुछ प्रिपरेशन नहीं है वेयर इज द विक्टिम्स जो ये आपका कैंप विक्टिम कैंप कहाँ है कल परसों जो मायर लोग आपका जो ऑनरेबल ये 13 ईटानगर MLA बोल रहा था उधर में प्रिपरेशन अभी इमीडिएट आज रात शाम को करो वो कहा है दिखाई नहीं दे रहा है वी द अरुणाचल लॉ स्टूडेंट प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इमीडिएट यू नो मेक ए प्रिपरेशन फॉर दट ऑल विक्टिम्स रिलीफ कैंप ऐसा जूता बाधा ऐसा जूता काम मत कीजिए प्रैक्टिकल में आके काम को करिए अभी सारा दुनिया भर का यहाँ में अभी जस्ट हम इन्फॉर्म किया है दुनिया भर का यहाँ में ऐसे घूर रहा है ना खाने के लिए है ना पीने के लिए ना रहने के लिए है ऐसा आप लोग पॉलिटिशियन होने से भी जूत मारने का भी एक हद होता है इतना जो इतना ये गता हुआ है तो उसको काइंडली आप लोग देख दीजिए एंड वेरी रिसेंटली जस्ट नॉट वी आर नॉट विजिटेड ओनली PS नाहरलगन वी विजिटेड जो ये यहाँ इंस्पेक्टर जो ये फायर स्टेशन का उसमें भी गया है देख के आया है तो उसमें दो टू सस्पेंशन ऑर्डर दे के आया है वो जो ऑफिसर है ना कौन है हम लोग से कोई मतलब नहीं है और ऑन द ड्यूटी में 25 मॉर्निंग का जो ऑन द ड्यूटी में जो जितना भी जो ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट है उन लोग को हम लोग सस्पेंड करने के लिए बात नहीं किया है जरूर सस्पेंड करना है लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का बात में तब जाके जितना भी अभी इन्वॉल्वमेंट है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा और उसको हम लोग जैसे भी पीछा करके रहेगा एंड और स्टेट गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करता है अलसू का तरफ से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जो जितना भी जो जो रिलीफ पंप्स को अगर उन लोग रिलीज कर रहा है या आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का थ्रू से डिपार्टमेंट से कर रहा है ना DC का थ्रू से कर रहा है और जितना भी अगर उधर से 10 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से रिलीज करता है बोलने से हर एक जो जितना भी विक्टिम्स है उसको
सही ढंग से, जिसको जितना मिलना है उसको सही ढंग से आप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बीच में इधर उधर ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट करके पान को एम्बेजलमेंट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग का अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में, उसका बाद उसका जितना भी ये में है, बीच में जितना भी कागज का इधर उधर जो भी करता है, हम लोग उसको हम लोग भी लगातार रहेगा और उसको हम लोग छानबीन करते रहेगा। एंड वी ऑलरेडी विजिटेड पीएस नाहरलगन एंड ये जो फायर स्टेशन में कर लिया। अभी हम लोग यहाँ से रवाना आपका डीसी को हम लोग मिलने जाएगा और डीसी को भी हम लोग यही हम लोग रिक्वेस्ट करने जाएगा कि यहाँ में एग्जैक्टली ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करना चाहिए, हाई लेवल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ये जो इंसिडेंट्स को, इसलिए हम लोग को मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का मांग रहा है कि क्योंकि यहाँ में कंस्पिरेसी प्री प्लान जैसा लग रहा है, इसलिए हम लोग को प्रॉपरली यहाँ में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के लिए हम लोग मांग करने के लिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहा है। थैंक यू वेरी मच। रियली सैडनिंग बिकॉज़ मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी एंड यू नो इट्स क्वाइट स्केप्टिकल एंड आयरोनिक टू सी दैट द पुलिस स्टेशन इज जस्ट नियर बाय टू द इंसिडेंट वेयर अकर्ड। It's just opposite to the daily market and the fire brigade, the fire department is just opposite to the daily market. It's quite ironic and skeptical about this entire situation that happened on 25th of The incident has happened on 4 p.m. and some of local had informed in 3:15 a.m. Some of the official has informed to the fire station 3 p.m. Just we went to the fire station office and we seen the report which was written in the diary book, and there's already mentioned that 3:15 a.m. some of unknown person has reported and complaint has been made. As you mentioned that just only 5 feet there is a fire station, और ऐसे में यहाँ अगर कंस्पिरेसी का अगर बात किया जाने से, क्योंकि यहाँ में लग रहा है डेफिनेटली हर कोई का सोच सिर्फ नहीं है, उसमें हम लोग क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ में कुछ कंस्पिरेसी हो सकता है। वी आर नॉट टॉक दैट दिस इज टोटली कंस्पिरेसी, बट ये जो कंस्पिरेसी होने का लाइक है, डाउट होने का लाइक है, क्योंकि 3:15 को यहाँ में बाय रिटन फॉर्म में आपका जो ये फायर सर्विस का इसमें कंप्लेंट दिया हुआ है, फिर भी उन लोग ने यहाँ जो फायर स्टेशन का जो जितना जो ऑन ड्यूटी वाला लोग है उन लोग देख के भी नहीं देखा जैसा लगा करके बैठा हुआ था। एंड यहाँ में फायर स्टेशन को किस लिए हम लोग यहाँ में इतना ये कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल में देखिए अगर 3:15 को रिपोर्ट हुआ है तो सारा यहाँ से जितना 600-700 जो फायर जो ये जितना भी जो यहाँ में प्रॉब्लम ऑलरेडी फायर जो गटर हो गया, तो उन लोग को बचाते समय में क्या इनकेस का बात अगर अरुणाचल में, जबकि इतना नियरेस्ट जो यहाँ से जो फायर इंसिडेंट हुआ है, इनकेस अगर दूसरा जगह में होने से मतलब सारा अरुणाचल को जल के बैठने से भी मतलब फायर स्टेशन पहुंचने वाला नहीं, इस टाइप का हो गया ना। तो ये जो है कि इसलिए हमको लग रहा है, हम लोग को लग रहा है कि ये जो इसमें कुछ ना कुछ कंस्पिरेसी जरूर हो सकता है, इसलिए प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग ये को पुलिस ये को ओसी को हम लोग कंप्लेंट देके एफआईआर लॉज करके आया है, ये है चीज। सिंस यू हैव लॉज एन एफआईआर इन नाहरलगन पुलिस स्टेशन, सो हाउ वाज द रिस्पांस फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट? हाँ, उन लोग जो ये आपका ओसी का कहना है कि उन लोग प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा बोलने में बोला है, लेकिन हम लोग को विच डॉक्यूमेंट्स का आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ में जो सस्पेंड किया है और कल को ये और ऑन द ऑन ड्यूटी में जो जितना भी ऑफिशियल जो इन ये है जो ये में था ऑन ड्यूटी में था, उन लोग को सस्पेंस करने का बाद अरेस्ट करो, अरेस्ट करने का बाद इंट्रोग्रेशन करो, इंट्रोग्रेशन करने से तब तू ना सच का सच दूध का दूध निकलेगा। इंट्रोग्रेशन विदाउट इंट्रोग्रेशन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट तो कैसे करके ये करेगा जो ये आपका जो यहाँ में जो ये वाला को जो विक्टिम्स को जस्टिस मिल पाएगा। इसलिए जितना भी जो ऑफिशियल यहाँ में जो
सस्पेंड किया भी है तो, और अभी सब सस्पेंस करने जा रहा है अभी तो, उन लोग को केस को रजिस्टर करके उसका बाद में ये करना पड़ेगा, ये इंट्रोग्रेशन करना पड़ेगा। इंट्रोग्रेशन करने से तब तो ना पता चलेगा, उसका बाद कोर्ट भेज दो, ट्रायल करने दो, तब तो ना पता चलेगा ना असली क्या है। सर यहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ है 100% फेलर ऑफ द फायर सर्विस एंड फायर सर्विस का जो डिपार्टमेंट है उन लोग का फेलर है। उन लोग सुनने में भी आया है कि उन लोग रात भर दारू पी के हाफ पी के मस्ती करके, अरे अभी देखे विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आपका फायर स्टेशन वाला को एनी टाइम रेडी रहना है, क्योंकि विंटर सीजन आते आते हवा मरता है, बिजली गिरता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और स्पेशली यहाँ में जो एडिंग टू दैट पॉइंट, और यहाँ में पावर डिपार्टमेंट को भी उन लोग रिक्वेस्ट किया था, बोला है पावर को कट करने के लिए बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस पावर डिपार्टमेंट एंड ये फायर स्टेशन का वजह से ये जो आज घटना हुआ है तो हुआ है। ये मैं अंशु का तरफ से हम लोग ब्लेम करता है डेफिनेटली, ये जो डिपार्टमेंट को फायर स्टेशन इज द मेन यू नो रिस्पॉन्सिबल एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट, ये है हम लोग का। तो आपका रिलीफ जो हम लोग फंड देने वाला, ये हम लोग का अपना ये से कैबिनेट लोग हम लोग डिसीजन लेके हम लोग का यहाँ में हम भी खुद भी यहाँ से चौथा से हम लोग यहाँ में मार्केटिंग करके आया है। हम लोग हर एक ये आइटम्स को हम लोग ये करके देख के और कहाँ में कौन सा लोकेशन में क्या क्या मिलता है सब लोग तो मालूम है। तो एक मन आबा मामा लोग का, उसका बाद उसमें कोई किसी को हम लोग ये नहीं है, इनजस्टिस नहीं है, कोई किसी को ये नहीं है, मतलब हम लोग का तरफ से चौथा सा एक मम्मी पापा जो घर नहीं है खाने पीने के लिए नहीं है ना, उन लोग के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ चावल आपका 10-15-20 ये कंटेल्स वगैरह आप लोग को हम लोग का तरफ से अलसू का तरफ से हम लोग डिसीजन करके और मीटिंग करके हम लोग एग्जीक्यूटिव का तरफ से हम लोग देने के लिए आया और दे भी दिया। और अच्छा से आप लोग उसको जो जो ये एग्जैक्टली जो ये है विक्टिम्स है ना, जो उसको इफेक्टेड हुआ है, जिसका दुख तकलीफ है, उसको आप लोग काइंडली आप उसको ये नहीं सोचना है कि हम लोग बहुत बड़ा है और उसमें दे दिया, हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग भी मेहनत वाला आदमी है। तो आप लोग का मेहनत को जो मेहनत करता है वही मेहनत वाला को समझ सकता है, इससे सोच के हम लोग का सब सेम ही थिंकिंग होने का कारण से आप लोग को हम लोग ये छोटा सा हम लोग ये कुछ चावल दिया है। तो आप लोग कितना दिया नहीं दिया, वो बड़ा देने से भी छोटा देने से भी दिया तो दिया है, और वो भगवान का आशीर्वाद हम लोग को सिर्फ आशीर्वाद आप लोग दे दीजिए बस इतना ही, हम नहीं है। लेकिन हम लोग का जो ये 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो MLA है, उसका बाद जो मायोर है हॉनरेबल ये जो आपका तामे पासंग जी, उन लोग कल बोल रहा था इमीडिएट आज का अंदर में या कल सुबह का अंदर तक उन लोग जो रिलीफ ये जो आपका ये कैंप बना देगा और उधर में बना रहा है बोल के बोला है। तो हम लोग तो बताना जरूरी नहीं है, हम लोग वहाँ में जा रहा है इधर जा रहा है, हम लोग कहीं भी जा सकता है। तो अभी हम लोग जाके देखा है गेट जो लॉक है, आप लोग भी जाके देखिए गेट लॉक है, तो अभी तक तो किया नहीं है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं ना यहाँ में नथिंग नो रिलीफ रिलीफ कैंप नहीं है, नहीं है सेटअप एज सच, नो 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 स्टिल नॉट। कल को क्या होगा, सेटअप होगा क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं, होना चाहिए, आदमी आओ या ना आओ वंस गवर्नमेंट हैज स्पोक तो होना चाहिए, जैसे भी बना देना पड़ेगा, बना के रखेगा तब तो ना आप लोग भी उधर में बैठने के लिए जगह है बोल के आएगा, जब नहीं बनाएगा तो कैसे हम आएगा बोलेगा, तो इसलिए बना के रखिए। उसका भी ये कहा कितना रुपया क्या हिसाब से करेगा वो गवर्नमेंट लोग तय करेगा, तो उसको हम लोग क्या जरूरी है, सिर्फ बनाया बनाएगा बोल के बोला है तो बनाना पड़ेगा, बना के उधर में जब ये करेगा तब आप लोग बैठने के लिए आएगा कोई भी अगर विक्टिम जो तकलीफ वाला लोग, जब गवर्नमेंट जो उन लोग खुद एश्योर करके नहीं बनाया बोलने से आप लोग कैसे उधर में। और सुनने में आया है कि आप लोग में से जो व्यक्ति में ना उन लोग 5-6 तो जाके उन लोग बैठने के लिए भी गया था लेकिन नहीं बनाने का कारण से वापस आया वाला, इतना हमको मालूम सुना है बस वही है। थैंक यू वेरी मच।